मंगलवार को देश भर में वामपंथी पार्टियों ने सेव डेमोक्रेसी आंदोलन चलाया। अगरतला में भी इसी के समर्थन में वामपंथी पार्टियों ने विरोध रैली निकाली। यह रैली त्रिपुरा की बीजेपी आईपीएफटी सरकार और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ वामपंथी पार्टियों ने 24 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल एवं उन्नति के त्रिपुरा बीजेपी आईपीएफ ने जोर सरकार एवं तार प्राइवेट आर्मी तारा তেসরা মার্চের পর থেকে হামলা সংগঠিত করছে, খুন করছে, বাড়িঘর দোকানপাট লুটপাট করছে, মা বোনেদের তাদেরও নির্যাতনের হাত থেকে তারা বাঁচতে পারছেন না। कैग ने वर्ष 2017 की अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि विमुद्रीकरण के दौरान सिक्किम के स्टेट बैंक में 1,000 और 500 के पुराने कुल 84.90 करोड़ रुपए के नोट जमा कराए गए थे। याद दिला दे कि भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात को अचानक 1,000 और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। लोगों को सलाह दी गई थी कि वे 9 नवंबर से 30 दिसंबर के भीतर बैंकों में जाकर पुराने 1,000 और 500 रुपए के नोट जमा करवा दे या फिर नए नोटों से उन्हें बदल ले। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान 1,000 और 500 के पुराने कुल 84.90 करोड़ रुपए के नोट जमा कराए गए। कैग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि विमुद्रीकरण अवधि में सिक्किम स्टेट बैंक ने नकद निकासी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया है। 9 से 13 नवंबर 2016 और 14 से 20 नवंबर 2016 तक प्रस्तावित साप्ताहिक सीमा यानी 20,000 से अधिक नकद निकासी पाई गई है। हालांकि बैंक का कहना है कि अधिक नकद निकासी के ऐसे मामले कर्मचारियों की अज्ञानता की वजह से हुई है और इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। धर्मनगर विवेकानंद शारदोल शतवार्षिकी भवन में एक बरगद के पौधे को पानी देकर त्रिपुरा विधानसभा के उपसभापति विश्वबंधु सेन ने मंगलवार को 69वें वन महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एसपी नॉर्थ मानिक दास, डीएफओ नरेश बाबू एन, एसडीएम राजेश दास और अन्य लोग उपस्थित थे। केटे फेलो, जालिये फेलो, छाकर लो फेलो, ताश काफी सोचो के प्राकृतिक काज करो निर्मिका। और तो जो हमारे उपकारी कारण फूल तो दे, फल दे, ऑक्सीजन दे, माटी दे, कुछ हफ्तों से लगातार भीषण गर्मी की मार झेलने के बाद सोमवार की रात हुई बरसात ने त्रिपुरा वासियों को राहत पहुंचाई है। पिछले हफ्ते राज्य में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। सोमवार रात से बारिश राज्य के विभिन्न हिस्सों में शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार और बुधवार को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। लोग बरसात के मौसम का आनंद ले रहे हैं। अभी जो बारिश हो रहा है तो ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत गर्मी था और गर्मी से लोगों को बहुत परेशान हो गया। अभी बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा ही है। आगे भी थोड़ा बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश हुआ लोगों का काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।